हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में एस सी वर्मा चैप्टर नंबर थ्री डैट इज कैनामेटिक्स के क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इज़ अ स्टेयर केस कंटेन थ्री स्टेप्स ईच टेन सेंटीमीटर हाई एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर वाइड एज शोन इन फिगर वाट शुड बी द मिनिमम हरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू में हमें यह दिया हुआ है कि एक स्टेयर केस हमें गिवन है जिसमें थ्री स्टेप्स हमें दी हुई है तो हम लोग स्टेयर केस का डायग्राम बना लेते हैं ये पहला स्टेप दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप ठीक है ये फ्रेंड्स हमें गिवन है वन टू और ये थ्री इधर से ऐसा फ्रेंड्स हमें डायग्राम गिवन है तो क्वेश्चन में करा स्टेयर के स्टेयर केस कंटेन थ्री स्टेप्स वन टू और थ्री थ्री स्टेप्स है इस सीढ़ी पर स्टेयर केस पर ईच टेन सेंटीमीटर हाई और सबकी हाइट जो है वो टेन सेंटीमीटर गिवन है ये भी टेन सेंटीमीटर हाइट है और ये भी टेन सेंटीमीटर हाइट है ठीक है और आगे क्वेश्चन में कह रहा है एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर वाइड और हर जो स्टेप है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर वाइड है ठीक है ट्वेंटी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी ट्वेंटी सेंटीमीटर सो फ्रेंड्स वाट शुड बी द मिनिमम हॉर्जोंटल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बॉल है जो इस स्टेयर केस पे सपोज ये एक बॉल है जो इस स्टेयर केस पे है वो एक उसे हम किस मिनिमम हॉरिजॉन्टल वलोसिटी से मूव कराएँ ताकि वो बॉल जब इस स्टेप से नीचे गिरे तो वो डायरेक्टली सबसे लोएस्ट प्लेन को हिट करें ठीक है क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि हमें कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस बॉल को देनी होगी ताकि वो बॉल जब रोल होकर के इस स्टेप से फॉल आउट होए तो वो डायरेक्टली इस लोएस्ट प्लेन पर हिट होए बीच में कहीं भी नहीं गिरे ठीक है सो so फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू दिस बॉल इज़ यू मीटर पर सेकेंड राइट लेट दैट मिनिमम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द बॉल बी यू मीटर पर सेकेंड सो so फ्रेंड्स अब इस बॉल को टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मिनिमम ट्रैवल करना पड़ेगा तो डेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर डैट इज़ 40 सेंटीमीटर क्यों क्योंकि जो बॉल है वो यहाँ से फॉल ऑफ हुआ है तो फॉल होने के बाद वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये 20 सेंटीमीटर साथ ही ये आगे का 20 सेंटीमीटर मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 20 प्लस ट्वेंटी फोर्टी सेंटीमीटर होगा तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाई बॉल इज इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी दैट इज फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है और फ्रेंड्स एक चीज अगर हम लोग और ध्यान देंगे ये जो बॉल है उसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना पड़ेगा तो ये बॉल इस पॉइंट से सीधे नीचे पॉइंट पर आ रहा है मतलब डाउनवर्ड इतना डिस्टेंस वो चल रहा है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा टेन सेंटीमीटर प्लस टेन सेंटीमीटर प्लस टेन सेंटीमीटर डेट इज थर्टी सेंटीमीटर तो डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल वो कितना हो जाएगा टेन प्लस टेन प्लस टेन विच विल बी इक्वल्स टू थर्टी सेंटीमीटर ठीक है फ्रेंड्स हम लोग ऐसा यूनिट में दोनों वैल्यू को ले लेते हैं तो इट विल कम आउट जीरो पॉइंट फोर मीटर और इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री मीटर ठीक है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसकी वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कंसिडर कर लेंगे ठीक है नाइन पॉइंट एट नाइन टेन लेंगे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए और फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सो so फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइम इसको कितना लगेगा वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए डाउनवर्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा तो इनिशियली हमने एक्स डायरेक्शन में इसे कुछ यू मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी है लेकिन वाई डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है तो यू वाई जो है वो जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमने कोई वेलोसिटी उसे नहीं दी है तो फ्रेंड्स अब हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ़ ए टी स्क्वायर का ठीक है तो वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं तो एस ऑफ वाई कर लेते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इन टी प्लस हाफ़ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर वेयर टी इज़ द टाइम ऑफ मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस डाउनवर्ड पॉइंट यहाँ पर ठीक है वो उसे टाइम कितना लगेगा वो हम लोग ने टी कंसिडर किया हुआ है तो फ्रेंड्स अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है थर्टी सेंटीमीटर मतलब ज़ीरो पॉइंट थ्री मीटर लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब निगेटिव वाई एक्सिस में तो माइनस जीरो पॉइंट थ्री ले लेंगे इट विल बी इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो क्या है जीरो तो ये टोटल वैल्यू आ गया हमारे पास जीरो उसके बाद हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन एक्सेलेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन ये वाई डायरेक्शन में निगेटिव वाई डायरेक्शन में तो माइनस साइन लगा लेंगे माइनस वन बाई टू इंटू टेन इंटू टी स्क्वायर ठीक है माइनस से माइनस साइन कट हो गया यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास जीरो uh, पॉइंट सिक्स बाई टेन डेट इज सिक्स बाई हंड्रेड तो टी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना रूट अंडर सिक्स बाई हंड्रेड दैट इज रूट सिक्स बाई टेन सेकेंड्स ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये तो था हमारे लिए वाई डायरेक्शन में ये हमने मोशन को कंसिडर किया और टाइम निकाला रूट अंडर सिक्स बाई टेन सेकेंड्स अब हम लोग एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में इस बॉल को कितना मूवमेंट करना है फोर्टी सेंटीमीटर डेट इज जीरो पॉइंट फोर मीटर तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन प्लस हाफ इनटू एक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है जीरो पॉइंट फोर मीटर ठीक है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे जीरो पॉइंट फोर विल बी इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सट डायरेक्शन वो हमने कितना अज्यूम किया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड हमने ज्यूम किया है तो यहाँ पर UX यू एक्स की वैल्यू हम लोग u रख देंगे इन टू टाइम टाइम की वैल्यू आई थी रूट अंडर सिक्स बाई टेन प्लस हाफ इंटू एक्सिलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन अब फ्रेंड्स वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी है ही लेकिन एक्स डायरेक्शन में इस बॉल को कोई एक्सेलरेशन नहीं मिला है देयर फोर एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन हो जाएगा जीरो इन टू टी स्क्वायर तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगा हमारे पास जीरो तो फ्रेंड्स यहाँ से यू का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया फोर बाई रूट अंडर सिक्स मीटर पर सेकेंड जिसका की वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली टू मीटर पर सेकेंड सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इज अ फ्रेंड अप सॉरी अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ़ फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजोंटल रोड द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे डैट इट रिटर्न टू अ ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूवड फिफ्टी एट पॉइंट एट मीटर फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्राम द ट्रक एंड एज सीन फ्राम द रोड सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री में हमें यह करा है कि एक पर्सन है जो कि एक ट्रक पर खड़ा है और ट्रक जो है मूव कर रही है विथ कॉन्स्टेंट बेलोसिटी फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड सपोज मैं डाइग्राम बनाता हूँ यह ट्रक है हमारा और इस पर एक पर्सन खड़ा है ठीक है अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विथ अ कॉन्स्टेट वेलोसिटी ऑफ फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड और ये जो ट्रक है उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो फ्रेंड्स जो पर्सन है वो ट्रक पे खड़ा है तो उसके पास भी जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड ही होगा ठीक है आगे हमें यह क्वेश्चन कर रहा है द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच वे डैट इट रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज़ मूव्ड 58.8 मीटर क्वेश्चन में ये कर रहा है कि एक ये जो मैन है ये एक बॉल को ऊपर फेंकता है ठीक है और इस तरीके से फेंकता है कि ट्रक जब 58.8 मीटर दूर चल ले ठीक है ट्रक जब 58.8 मीटर दूर चल के कुछ डिस्टेंस यहाँ पर आया तो वो जो बॉल है वो पर्सन के हाथ में दोबारा आ जाता है ठीक है पर्सन उसे इस तरीके से फेंकता है कि ट्रक फिफ्टी एट पॉइंट एट मीटर चलने के बाद भी वो जो बॉल है उस पर्सन के हाथ में दोबारा आ जाता है ठीक है तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में यह करा है कि फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ़ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक तो इस बॉल का स्पीड कितना होगा और एंगल ऑफ़ प्रोजेक्शन क्या होगा अगर हम ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ठीक है और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करा है सेम वही फाइंड करना है स्पीड ऑफ द थ्रोइंग एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द रोड जब हम रोड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तब ये बॉल जो है कितने स्पीड से फेंका गया होगा और उसका एंगल क्या होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो हमें फाइंड आउट करना है सो so फ्रेंड्स अभी हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते हैं डेट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम द ट्रक सो फ्रेंड्स पहले हम लोग टाइम देखते हैं कि ट्रक को 58.8 मीटर कवर करने में टाइम कितना लगा होगा तो टाइम इज़ गिवेन बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई वेलोसिटी क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सॉरी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है फिफ्टी एट पॉइंट एट मीटर बाई वेलोसिटी फोर्टीन पॉइंट सेवन इट विल कम आउट फोर सेकेंड मतलब ट्रक ने फोर सेकेंड्स का मोशन किया और फोर सेकेंड्स के अंतर मतलब फोर सेकेंड्स के टाइम इंटरवल में ही ये जो बॉल है वो ऊपर जाते हुए वापस इस पर्सन के हाथ में दोबारा आ जाता है ठीक है सो so फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग देखेंगे ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन जो है डायरेक्टली बॉल को अबव थ्रो किया होगा ठीक है और अबव थ्रो करते समय इसके पास बॉल को इसने वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दी होगी और बॉल के पास तो पहले से ही ट्रक का एक्स डायरेक्शन में फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है ही ठीक है उस वेलोसिटी से बॉल एक्स डायरेक्शन मूव करेगा और जिस वेलोसिटी से पर्सन ने उसे ऊपर फेंका है उस वेलोसिटी से ये वापस ऊपर जाएगा और घूमते घूमते ये नीचे इस पर्सन के हाथ में दोबारा आ जाएगा आफ्टर फोर सेकेंड्स ठीक है तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ये एक्स डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन तो नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि इस लेवल से फेंका गया और वापस ये सेम लेवल में वाई डायरेक्शन में वो हमें मिल गया तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है हम लोग फॉर्मूला जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू जीरो तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यू क्या है यू इन वाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जीरो तो यहां से यू वाई इनटू टी सॉरी मैं यू वैल्यू पुट कर देता हूँ यू वाई इंटू टाइम की वैल्यू है फोर सेकेंड्स फोर प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलेशन टू ग्रेविटी जी डेट इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकिन फ्रेंड्स ये एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड बाई डायरेक्शन में तो निगेटिव साइन लेना पड़ेगा माइनस नाइन पॉइंट एट इं टी स्क्र विल बी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यू वाई इंटू फोर विल बी इक्वल्स टू ये पार्ट को हम लोग आर एच एस में भेजते हैं तो वन बाई टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू फोर स्क्वायर फोर से फोर कैंसिल हो गया तो यहाँ से यू वाई का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा आ, टू से यहाँ पर टू एक कैंसिल हुआ था और यहाँ पर फोर स्क्वायर था तो फोर से स्क्वायर ऐसा कैंसिल किया टू या फोर नाइन पॉइंट एट इंटू टू डेट इज नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड ठीक है और ये किस डायरेक्शन में है इन अपवर्ड डायरेक्शन सो फ्रेंड्स जो बॉल है अगर हम लोग ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखेंगे तो जो बॉल है वो नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया होगा

तो हमें एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी दिखाई देगी दैट इज़ बॉल जो है कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है क्योंकि ट्रक मूव कर रहा है तो और जिस वाई डायरेक्शन में भी मूव करेगा क्योंकि उसे पर्सन वो जो पर्सन है वो वाई डायरेक्शन में फेंका था बॉल को तो नेट वेलोसिटी का किस डायरेक्शन हो में होगा इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा थीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द ओरिजोंटल और उस बॉल का प्रोजेक्टाइल कैसा हो जाएगा कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आकर के जो पर्सन है वो इस बॉल को कैचअप कर लेगा ठीक है सो फ्रेंड्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था यू एक्स वो ट्रक का वेलोसिटी डेट इज़ फोर्टीन पॉइंट सेवन मीटर पर सेकेंड और वाई डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी कितना कैलकुलेट किया था नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड तो जो यू नेट नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा यू नेट विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर फोर्टीन पॉइंट सेवन का होली स्क्वायर प्लस नाइन्टीन पॉइंट सिक्स का होली स्क्वायर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड और ये जो एंगल है थीटा वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सॉरी बेस परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर कौन है ये बेस है ये तो टेन थीटा बिल्बी इक्वल्स टू यू वाई बाई यू एक्स इट मीन्स नाइनटीन पॉइंट सिक्स बाई फोर्टीन पॉइंट सेवन तो यहाँ से ठीटा का वैल्यू निकल के आएगा हमारे पास ठीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स नाइनटीन पॉइंट सिक्स बाई फोर्टीन पॉइंट सेवन इट विल कम आउट फिफ्टी थ्री डिग्री सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इज़ द बेंचेस ऑफ अ गैलरी इन अ क्रिकेट स्टेडियम आर वन मीटर वाइड एंड वन मीटर हाई अ बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल वन मीटर अब द ग्राउंड एंड हिट्स अ मेमथ सिक्सर द बॉल स्टार्ट एट थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ फिफ्टी थ्री डिग्री विद द हॉरिजोंटल द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज वन हंड्रेड टेन मीटर फ्रॉम द बैट्समैन ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में एक क्रिकेट स्टेडियम के बारे में एक कहा गया है ठीक है एक क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर ये बैट्समैन है ठीक है वो बॉल को हिट करता है एट एन एंगल ऑफ थर्टी फाइव सॉरी एट ए स्पीड ऑफ थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ठीक है ये बैट्समैन हिट करता है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर स्टेयर केस वाइज में सीट्स जो हैं अरेंज्ड हैं स्टेयर केस मैनर में ठीक है सपोज़ कुछ इस तरीके से ये सीट्स है यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सब क्रिकेट स्टेडियम में सीट्स है और जो फर्स्ट सीट है वो इस प्लेयर से इट्स बैट्समैन से 110 मीटर के दूरी पर है ठीक है आगे क्वेश्चन में करा रहा है और ये जो विड्थ है इस सीट का वो वन मीटर है और हाइट है वो भी वन मीटर है मतलब हर सीट का विर्थ वन मीटर हाइट वन मीटर विर्थ वन मीटर हाइट वन मीटर ऐसे ऐसे करके सब कोई कहा है सभी सीट का है और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज़ वन हंड्रेड टेन मीटर फ्रॉम द बैट्समैन बेंचेस जो है वन हंड्रेड टेन मीटर दूर है और जो द बेंचेस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन प्लेन ऑफ मोशन मतलब बॉल का जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर जो है बेंचेस अरेंज हैं और एक चीज़ और हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट अ लेवल वन मीटर अबव द ग्राउंड जो बैट्समैन है वो बॉल को स्ट्राइक करता है वन मीटर अबव द ग्राउंड वन मीटर अबव द ग्राउंड वो बॉल को स्ट्राइक करता है मतलब वो लगभग फर्स्ट बेंच की एल्टीट्यूड पर जो है बॉल को सबसे पहले स्ट्राइक करता है एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड एंड एन एंगल फिफ्टी थ्री डिग्री सो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट तो ये जो बॉल है ये किस बेंच पर जा करके हिट करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है तो फ्रेंड्स एक चीज़ हम लोग कंसिडर करते हैं लेट द बॉल लेट द बॉल हिट्स ऑन एनेथ बेंच कोई एक एनेथ बेंच पर हिट करेगी बॉल को ठीक है तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस में जो बॉल को कन, डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में वो कितना हो जाएगा वन हंड्रेड टेन मीटर प्लस एन टाइम्स इंटू वन मतलब वन हंड्रेड टेन मीटर प्लस एन टाइम्स इंटू वन मीटर क्योंकि हर बेंच की जो विड्थ है हॉरिजॉन्टल विड्थ वो वन मीटर की है और हमने एन बेंच पर कंसिडर किया है तो वन हंड्रेड टेन मीटर दिस डिस्टेंस प्लस एन डिस्टेंस ये वाला तो इट विल कम आउट वन हंड्रेड टेन प्लस एन मीटर फ्रेंड्स यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं टेन फिफ्टी थ्री डिग्री टेन फिफ्टी थ्री डिग्री इज़ थ्री बाई फोर सुपर ट्रेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ये सुपर ट्रेंगल होता है जहाँ पर ये एंगल फिफ्टी थ्री डिग्री ये थर्टी सेवन डिग्री और थ्री फोर और फाइव ये वैल्यू को आसान बनाने के लिए वैल्यू को याद रखने के लिए हम लोग सुपर ट्रेंगल ड्रा करते हैं फोर फिफ्टी थ्री डिग्री एंड थर्टी सेवन डिग्री और यहाँ से कॉस फिफ्टी थ्री डिग्री हो जाएगा हमारे पास फोर बाई फाइफ फ्रेंड्स हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का दैट इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीठा ये इक्वेशन का हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बॉल मोशन जो है बॉल की जो मोशन है उसकी पाथ को हमें देखना है और पाथ में हम लोग अधिकतम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज़ करते हैं इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है सो फ्रेंड्स अब हम लोग रखते हैं सभी वैल्यू को एक्स की वैल्यू मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 110 हंड्रेड टेन प्लस एन तो एन प्लस वन हंड्रेड टेन टेन थीटा की वैल्यू है फोर बाई सॉरी थ्री बाई फोर तो यहाँ से थ्री बाई फोर माइनस जी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू टेन इंटू एक्स स्क्वायर डेट इज एन प्लस टेन का होल स्क्वायर वन हंड्रेड टेन का होल स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर डेट इज थर्टी फाइव का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 53 डिग्री 4 बाई फाइव इसका होल स्क्वायर तो 16 बाई ट्वेंटी सो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करें फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं y जो है एनथ बेंच के लिए वो कितना हो जाएगा वन मीटर वन मीटर वन मीटर सपोज ये थर्ड बेंच पे स्ट्राइक किया मैं एक अज्यूम करता हूँ तो थर्ड मीटर के लिए वाई वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वन प्लस वन प्लस वन डेट इज़ थ्री लेकिन ये जो बॉल है पहले से ही वन मीटर अव द ग्राउंड हिट हुआ हुआ है तो थ्री हमें नहीं थ्री माइनस वन टू लेना पड़ेगा तो सपोज ये nth बेंच पर स्ट्राइक कर रहा है तो उसी तरीके से हमें एन नहीं एन माइनस वन लेना पड़ेगा तो यहाँ से एन माइनस वन विल बी इक्वल्स तो टू थ्री इंटू एन प्लस वन हंड्रेड टेन बाई फोर माइनस टू फाइव या टेन ये तो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव इंटू एन प्लस वन हंड्रेड टेन का होल स्क्वायर बाई थर्टी फाइव स्क्वायर इंटू सिक्सटीन फ्रेंड्स यहाँ से हमें एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हम लोग इन सभी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो एन विल बी इक्वल्स टू सिक्स देयर फोर द बॉल विल ऑन द सिक्स बेंच ठीक है फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से लेकर फोर्टी फोर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है आगे की वीडियोज़ में हम लोग आगे के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक आप इन सब क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इफ़ योर डाउट गेट क्लियर बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू